Hello guys, welcome in this video. Guys, this is the first video for crash course for NEET 2018 and all other medical entrance exam. ठीक है, तो मैं जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें विद इन 15 मिनट मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ. ठीक है, सेकेंड थिंग, मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कुछ जो मेरे मैं उन्हें क्या कहूँ, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जो भी लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने वीडियो देख के ई बुक बाय की. ठीक है, अगर आप ई बुक बाय कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नॉन रिफंडेबल है. ठीक है, इसलिए बिकॉज आपको आपने वो ई बुक डाउनलोड कर ली, वो आपके फ़ोन में है, आप मुझे वो ई बुक रिफंड आप मुझे फिर से बैक नहीं कर सकते हो, तो मैं किस तरीके से फिर आपकी मनी को बैक कर सकती हूँ, बिकॉज जो प्रोडक्ट आपने खरीदा वो आपके पास है, तो मैं ई बुक का रिफंड नहीं कर सकती. सेकेंड थिंग, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी एक महाशय ने एक ई बुक बाई की थी एंड ही सेज टू मी दैट आई एम चीटर, मैं चीटिंग कर रही हूँ. मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने चीटिंग क्या की. अदरवाइज मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी आपको चीज़ के लिए कहा हो बाय करने के लिए और वो बिल्कुल ब्लैंक हो. ठीक है, मैंने आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे फ्री में कोई रुपये दे दीजिए, मैंने आपको उसके बदले में फॉर्मूलेज दिए. और जो भी ई बुक का प्राइस है इट्स वेरी वेरी मिनिमम, इट्स ओनली 25 रुपीज़, इसको आप जब पे करते हो 30 हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइट. ठीक है, इसमें ओनली 25 रुपीज़, कुछ मेरी मेहनत, बिकॉज मैं भी कुछ काम कर रही हूँ तो थोड़ी ज़रूरत होती है. ठीक है, मनी मैं चाहती तो उसको बहुत ज़्यादा रुपए में भी ले सकती थी, बट इट्स ओनली फॉर 25 रुपीज़, इट्स नॉट अ बिग डील. इसको आप एक क्रैक्स खाते हो, एक कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उसी में ख़त्म हो जाती है. तो अगर कोई भी ये बोल रहा है कि मैं चीटर हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल भी चीटर नहीं हूँ, और जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं आई थिंक वो मेरी बात को एग्री भी करेंगे. अदरवाइज चलिए, वो सब चीज़ें मैं छोड़ती हूँ, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इतना आप लोग को नहीं सोचना चाहिए. तो जो भी मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है, चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें डिफाइन करना होता है कि लॉन्ग जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो और जो नॉन लिविंग होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, ये चीज़ें नीट में पूछी जाती हैं जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बहुत सिंपल वे में देखना चाहते हो तो वो मेरे पास मेरी ई बुक में प्रेजेंट है. देखो, मैं आपको ई बुक के आप जब बाय करोगे, अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया हुआ है पर मैंने सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं. ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले इसमें लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ग्रोथ के बेस पर अगर हम लेते हैं तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो करते हैं, बट उसके साथ साथ अगर हम क्राइटेरिया लें तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं. किस तरीके से, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर, नॉन लिविंग कोई चीज़ है उसके ऊपर मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो वो भी तो ग्रोथ करते हैं. तो इसलिए ग्रोथ इज़ नॉट क्राइटेरिया, इज नॉट डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और नॉन लिविंग नहीं करते हैं, ये चीज़ हमें पता है, बट इस चीज में ध्यान देना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज कुछ इनफर्टाइल कपल्स या कुछ म्यूज जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में केमिकल्स की, ठीक है, वो होती है मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकती है. ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ भी है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता. उसके आगे दिया हुआ भी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, पर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हम बॉडी के बाहर कर सकते हैं पर उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाएगा. ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाएगा जो कि हम बॉडी के बाहर करेंगे ऑर्गेनिज्म के. ठीक है, जिसको हम किसी टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं या जिसको हम बोलेंगे इन विट्रो, मतलब कि जो नॉन लिविंग नहीं है. नीचे लिखा हुआ भी है इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, उसको हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे पर उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फोर्थ पॉइंट है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, क्यों? बिकॉज हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल जरूर प्रेजेंट होगा, पर अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसमें सेल प्रेजेंट नहीं हो सकता. नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं. देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आसपास की चीज़ों के लिए अवेयर होते ही हैं. ठीक है,
अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज है तो उसमें कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टी होगी. सो दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और अगर हम क्राइटेरिया लेते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, सो इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है. सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो खुद के लिए अवेयर हो. ठीक है. जैसे कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए अवेयर हो, आप लोग डॉक्टर बनने के लिए अवेयर हो, या आजकल जो भी चीज़ें हमारे साथ, हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे अंदर, ऑफकोर्स हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा है, उस सब के लिए आप अवेयर होते हो. ठीक है. सराउंडिंग के लिए अगर आप अवेयर हो, देन इट नोन एज कॉन्शियसनेस. अगर आप खुद के लिए अवेयर हो, खुद की जिंदगी में कुछ करने के लिए अवेयर हो, तो दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ठीक है. तो आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा पैरा. यहाँ वी ऑब्जर्व से नॉन लिविंग तक मैं आपको समझा देती हूँ. इसमें ये कहा गया है इस पैरा में कि जो भी पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, अगर वो कोमा में है, ठीक है, और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, तो क्या है कि वो अवेयर नहीं है. ठीक है. वो मतलब एक तरीके से उनका जो ब्रेन है वो डेड है. ठीक है. तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं है, वो अपने लिए अवेयर नहीं है, पर अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होते हैं. इसीलिए उनमें कॉन्शियसनेस होती है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है इस कंप्लीटेड. इतनी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज इज 1.7 एंड 1.8 मिलियन. इसमें ये कहा गया है कि जितनी स्पीसीज जो हैं वो नोन है, जिनको डिस्क्राइब कर दिया गया है, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन. ठीक है. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस. तो हमारी जो भी लिविंग है उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी सारी चीज़ें हैं. तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो कि हम लोग को पता है, विच इज नोन. नेक्स्ट आता है कि नोमेन कल्चर, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नोमेन कल्चर का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक उसको स्टैंडर्ड देना, एक उसको नाम देना. इट नोन एज नोमेन कल्चर. उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन. तो नोमेन कल्चर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड व्हेन एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू. ठीक है. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसका हम नोमेन कल्चर भी नहीं कर सकते. तो आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इसमें एक बात यह ICBN, तो ICBN आप लोग को पता होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटानिकल नोमेन कल्चर. और वॉट इज़ ICZN? ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेन कल्चर. इट्स कम्प्लीटेड. उसके बाद आता है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता हुआ है, एक जेनेरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिटेट होता है, बायोनोमियल नोमेन कल्चर बोलते हैं. ये सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने. ठीक है. आई होप गाइज कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को. और जिस जो भी आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कीजिएगा. बिकॉज आप लोग लाइक करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. बिकॉज इट्स माई न्यू आइडिया कि मैं इस तरीके से आपको बिल्कुल NCERT बेस्ड चीज़ें पढ़ाऊँ और एक एक लाइन का इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको समझाती रहूँ. सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी. एंड नेक्स्ट ये सब चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है. उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की. तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज किसी चीज़ को एक करेक्टर के बेस पे उसको अलग रख देना, क्लासिफाइड कर देना. जैसे कि क्लास में टीचर एक तरीके से क्लासिफाइड कर लेती है बच्चों को कि ये बच्चे थोड़ा सा डल हैं, ये थोड़े से अच्छे हैं पढ़ाई में, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन. ठीक है. कंप्लीट हो गया इतना. उसके बाद ठीक है, कैटेगरीज. जैसे कि अब क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो किया जाता है कैटेगरी बेस्ड पर. ठीक है. इसकी कैटेगरी ये है, इसको इस क्लासिफिकेशन ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा. तो जो कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सा. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो थोड़ी सी पूछ ली जाती है. या तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ से ध्यान देते हैं. प्लांट्स ऑल्सो फ्रॉम अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयर फॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट अ डिफरेंट लेवल. इट्स अ वेरी टफ लाइन. अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बेस सारी सब कुछ चीज़ें समझाने वाली हूँ. चलिए हम शुरू करते हैं. इसमें क्या कहा है कि प्लांट्स जो है वो एक अलग टैक्सा है. ठीक है.
समझना अच्छे से, प्लांट अलग टैक्सा है, व्हीट अलग टैक्सा है, और एनिमल्स अलग हैं। एनिमल्स में मैमल्स और डॉग्स, वो भी अलग अलग है। एनिमल्स में ही तो आता है मैमल्स, और मैमल्स डॉग्स, ये अलग अलग टैक्सा है। तो इन्होंने क्या कहा है, बट यू नो दैट अ डॉग इज मैमल। हमें पता है कि डॉग जो है वो क्या है, मैमल है, और मैमल जो है वो एनिमल्स के अंदर आता है। ठीक है, ये लाइन आपको क्लियर हुई कि डॉग जो है वो मैमल है और मैमल जो है वो एनिमल्स के अंदर आता है। देयर फोर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स, ये तीनों टैक्सा हैं बट डिफरेंट लेवल के। ठीक है, तीनों हैं तो टैक्सा ही, बट कैसे हैं, डिफरेंट लेवल के टैक्सास हैं। ठीक है, आई होप कि मैं एक चीज़ क्लियर कर पाई हूँ आप लोग के लिए। नेक्स्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, उनको डिफरेंट टैक्सा में रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल कैसे हैं, उनकी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि प्लांट और एनिमल की सेल अलग अलग होती हैं, उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनिज्म की, उन सब के बेस पर हम उसको टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, हैंस करेक्टराइजेशन, सबसे पहले उसके करेक्टर्स निकाले जाते हैं कि उसमें ये सारे करेक्टर्स हैं, और फिर उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, आइडेंटिफाइड करने के बाद उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, फिर उसका एक नाम रखा जाता है, एंड देन इस प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच, ठीक है, सिस्टमैटिक्स मतलब होता है कि जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, जहाँ पर इवोल्यूशन वर्ड जुड़ गया तो वो हो गया सिस्टमैटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में अंतर जाना पूछा जाता है कभी कभी, तो सिस्टमैटिक्स क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जुड़ गई तो वो हो गया सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, एक कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, इट्स कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सोन। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये आप लोग को पता है अच्छे से पहले कि किंग सबसे नीचे, सबसे छोटी यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये हिरार्की याद नहीं है तो मेरी ई बुक में मैंने इसकी ट्रिक भी दी हुई है, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें इसमें सिर्फ यही समझाया गया है, जो इतना पैरा आपको यहाँ से दो पेज में जो समझाया गया है वो ये है कि स्पीसीज जो हैं वो मिलके बनी होती हैं जीनस से, और जीनस मिलके बने होते हैं फैमिली से, फैमिली मिलके बनी होती है ऑर्डर से, ऑर्डर मिलके बने होते हैं क्लासेस से, और क्लासेस मिलके बनी किससे होते हैं, फाइलम से, और फाइलम किससे मिलके बना होता है, किंगडम से। ठीक है, बस यही बात दी हुई है कि किंगडम सबसे बड़ा है। ठीक है, किंगडम के अंदर ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर उनके अंदर फाइलम्स अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि किंगडम है, किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम। ठीक है, उसके फाइलम अलग अलग होते हैं, जैसे कि फाइलम क्या हो गया, पोरीफेरा, निडेरिया, ये फाइलम हो गया। क्लास, उनके अंदर की जो क्लास होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजोआ, एंथ्रोजोआ, या अगर हम पोरीफेरा मिले तो स्पॉन्जोआ, तो वो अलग अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद उनकी क्लास, उनके ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं वो, उनका उनकी फैमिली, उनका जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, ख़त्म। उसके बाद ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैन, हाउस फ्लाई, मैन, इन सब का याद करना नाम। ठीक है, इन सब की आई थिंक ट्रिक भी मैंने उसमें दी हुई होगी शायद ई बुक में, तो उसमें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स विच आर इम्पॉर्टेंट, सब पूछा जाता है हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरियम में हम किस चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो हर्बेरियम में एक शीट होती है। ठीक है, उस शीट के पर हम क्या क्या लिखते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश और लोकल एंड बॉटनिकल नेम उसका, कलेक्टर का नाम, और एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। ठीक है, तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। उसका बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं उनका कलेक्शन होना। ठीक है, तो फेमस बॉटनिकल गार्डन है एट क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा, इंडिया में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ, इंडिया में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया का नाम क्या है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, वो है हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा में, और नेशनल वाला है लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद है म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम में हम जो डेड चीज़ें रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करके स्पेसिमेन को,
तो वो म्यूज़ियम में कलेक्शन होता है, म्यूज़ियम का पता भी है कि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क, जैसे कि बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, वैसे जूलॉजिकल पार्क मतलब कि जू में लिविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कैप्ट करा जाता है ह्यूमन के प्रोटेक्शन में। उसके बाद की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई करना उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर, ठीक है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, ये बेस होती है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पर, ठीक है। जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं उनको पेयर में बोलते हैं कपलेट, और जब अलग अलग होते हैं देन इट नोन एज की, ठीक है। अगर सेपरेट हैं ईच स्टेटमेंट, अगर अलग अलग दिया है तो की, और अगर साथ में है तो उसको बोलेंगे कपलेट। सो गाइज, उसके बाद है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सब की मैंने ई बुक में भी बताया हुआ आपको, तो अगर आप इसमें इतना सारा नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ई बुक बाय करके विद इन 5 मिनट बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई होप गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। सो गाइज, टिल देन टेक केयर, हैप्पी होली, बाय बाय।